नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं खुशबू कनौजिया और मैं अपने चैनल घर का जायका विद खुशबू में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी की वीडियो लेकर नहीं आई हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं जन्माष्टमी पूजा की वीडियो, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से। तो आप मेरी वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कान्हा जी का स्नान करेंगे। तो चलिए इनका स्नान कर लेते हैं। और इन्हें हमने साफ किया है इमली के पानी से मात्र, जो कि बहुत ही चमक गया है। तो इन्हें हम गंगा जल से सबसे पहले स्नान कराएंगे। और फिर इनका स्नान कराएंगे गाय के दूध से। और फिर इन्हें हम चंदन का लेप लगाएंगे और इन्हें अच्छी तरह से लगाएंगे। मैंने इन्हें चंदन का लेप अच्छी तरह से लगा दिया है। अब मैं इन्हें सादे पानी से स्नान कराऊंगी, सुगंधित पानी जिसमें मैंने गुलाब का फूल डाला था। अब मैं इन्हें हल्दी से लेप लगाऊंगी। फिर हम इन्हें तुलसी जल, फूल जल सभी से स्नान कराएंगे। और फिर लास्ट में हम इन्हें गंगा जल से स्नान कराएंगे। अब इनका स्नान कंप्लीट हो गया है। अब हम इन्हें अच्छी तरह से पोंछ लेंगे। और इस जल को हम अपने घर के चारों कोने में छिड़क देंगे, इससे सारी नेगेटिविटी बाहर भाग जाती है। अब हम इन्हें ड्रेस पहनाएंगे। तो ये ड्रेस मैंने अपने खुद अपने हाथों से बनाया है कान्हा जी के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैंने ये इसे कैसे बनाया है तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। अब हम इन्हें ड्रेसअप करेंगे और ये ड्रेस इनका फॉल से बना हुआ है, साड़ी का फॉल। हमने इन्हें ड्रेस पहना दिया है। अब हम इन्हें जेवर पहनाएंगे। तो पहले हम इन्हें हाथ में कंगन पहनाते हैं और फिर कान में इयररिंग। और फिर इन्हें माला से सुशोभित करेंगे। और ये मुकुट, फिर इन्हें हम मैचिंग मुकुट पहनाएंगे। तो इनका ड्रेसअप हो गया है। अब हम इन्हें इनका बांसुरी इन्हें देंगे। तो ये बांसुरी, अब इनका श्रृंगार कंप्लीट हो गया है। अब हम इनका पूजन करेंगे। तो चलिए इनका पूजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इन्हें फूलों के माला से सुशोभित करेंगे। ये हमारी रक्षा करते हैं, तो हम इन्हें रक्षा सूत्र बांधेंगे। तो मैं इन्हें एक राखी बांध देती हूँ। और फिर इन्हें चंदन, कुमकुम, हल्दी इत्यादि लगाऊंगी। तो चलिए इन्हें चंदन का, हल्दी का और कुमकुम का टीका लगा देते हैं। और पूजा करने से सबसे पहले हम एक दिया ज़रूर जलाएंगे और फिर इन्हें हम फूल से अर्पित करेंगे। मेरे कान्हा को नज़र ना लगे किसी का, तो इन्हें हम काला टीका लगाएंगे। और काला टीका हमने खीरा के
पे बनाया है घी के दीपक से, और यही टीका फिर हम खुद भी लगा लेंगे, इसे हमें भी नज़र नहीं लगेगी। फिर हम इन्हें बुके अर्पित करेंगे, वो भी फूलों का, और हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक हो काना कहकर, और फिर हम इन्हें भोग अर्पित करेंगे। आपके पास जो जो भोग हो आप इन्हें अर्पित कर दीजिएगा, बट खासकर मक्खन और मिश्री ज़रूर होना चाहिए। और भोग अर्पित करने के बाद आप इन्हें ज़रूर करिए, मैंने इन्हें आपको भोग अर्पित किया है, आप हमारा भोग स्वीकार करें। फिर हम यहाँ पर एक साबुत खीरा पीला वस्त्र में लपेट कर इन्हें अर्पित करेंगे, और सारे भोग में तुलसी का पत्ता होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना तुलसी के पत्ते का ये भोग स्वीकार नहीं करते। और फिर हम इनकी आरती उतारेंगे। तो लीजिए, इनका पूरा पूजा संपन्न हुआ, और जब मध्य रात्रि यानी 12 बजेगा तब हम यहाँ पर इन्हें नारियल फोड़ेंगे और कपूर से इनकी आरती और फिर जल इन पर अर्पित करेंगे। फिर इनका भोग प्रसाद के रूप में हम लोग ग्रहण करेंगे। तो बहुत ही सिंपल आसान तरीका से मैंने आपको जन्माष्टमी पूजा का विधि बताया, जिसे कोई भी कर सकता है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे एक लाइक और अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर करें, और हमें कमेंट कर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। और अगर आप फर्स्ट बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने पे पैसा नहीं लगता। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड नमस्कार।